हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं क्रैब साइकिल का। तो देखिए, क्रैब साइकिल जो है ये हमारा सबसे मेन प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, यानी सबसे मेन प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। और क्रैब साइकिल की जो लोकेशन है वो क्या है, क्रैब साइकिल जो होता है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल को लोग कई नामों से जानते हैं, डिस्कवरर के नाम पे क्रैब साइकिल को डिस्कवर किया था क्रैब हेंसलिट ने, तो इसलिए उसके नाम पर लोग क्रैब साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो इसमें एसिड बनती हैं, ठीक है, ज्यादातर इसमें एसिड जो बनती है, जैसे साइक्लिक एसिड हो गया, सिसैकोनेटिक एसिड हो गया, तो ज्यादातर जो एसिड बनती है उसमें तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, थ्री, है ना, थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इसको बोलते हैं पीसीए साइकिल, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। दूसरा इसका नाम होता है साइट्रिक एसिड साइकिल, क्यों, क्योंकि पहला प्रोडक्ट इसका क्या है, साइट्रिक एसिड यानी साइट्रेट, तो पहला प्रोडक्ट साइट्रेट होने की वजह से इसका नाम साइट्रिक एसिड साइकिल है। और चूंकि ये ऑक्सीडेटिव साइकिल है इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्रैब साइकिल में टोटल आठ स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, आठ, और ये जो एट स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के थ्रू दिखाते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो उसके पहले मैंने एक लेक्चर आपका बनाया हुआ है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए जनरेट होता है पाइरूविक एसिड से, तो जो पाइरूविक एसिड है ये पीडीएच, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम ए बनाती है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और NADH2 भी बनता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट, यानी ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल से कनेक्ट करता है, इसीलिए ये एक लिंकिंग एंजाइम हो गया, ठीक है। अब जो एसिटिल कोएंजाइम ए बना है, एसिटिल कोएंजाइम ए का हमारा एक्सेप्टर होता है ऑक्सैलो एसिटेट, तो ऑक्सैलो एसिटेट इस एसिटिल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा साइट्रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ठीक ग्लाइकोलिसिस की तरह से ही हम लोग एंजाइम का नाम याद कर सकते हैं उसके रिएक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो आप देख लो क्या बन रहा है, साइट्रेट, तो साइट्रेट बन रहा है, इसलिए एंजाइम हो जाएगा साइट्रेट सिंथेज, ठीक है। तो साइट्रेट सिंथेज एंजाइम हमारा क्या करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटेट को रिएक्ट करा करके साइट्रेट बनाएगा, ठीक है। अब जो साइट्रेट बना है, इस साइट्रेट का रिएक्शन होगा एकोनिटेज एंजाइम से, और एकोनिटेज एंजाइम इससे रिएक्ट होकर के बना देगा, ठीक है, एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। फिर सिस एकोनिटिक एसिड में वाटर हमारा वापस री एंटर करता है, दोबारा रिएक्ट होता है सेम एंजाइम के प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और हमारा बनता है आइसोसाइट्रिक एसिड, यानी साइट्रिक एसिड का एक आइसोमर बनता है जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइट्रिक एसिड, ठीक है। यानी कि एक तरह से कहते हैं रीअरेंजमेंट हो रहा है इस पूरे रिएक्शन में, इसीलिए सेम एंजाइम हर स्टेप को कैरी कर रहा है और कैरी करके फाइनली क्या बना रहा है, आइसोसाइट्रिक एसिड। जैसे आइसोसाइट्रिक एसिड बनता है यहीं से हमारा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आप देखिए पहला ऑक्सीडेशन हो रहा है आइसोसाइट्रिक एसिड का, और उस ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम हमारे पास है आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो जो भी हाइड्रोजन रिमूव होगा उसका एक्सेप्टर हमारा यहाँ पे क्या है, NAD, तो NAD+ उस हाइड्रोजन को लेकर के NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट का फिर ऑक्सीडेशन होगा, एंजाइम होगी अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है वो फिर NADH से एक्सेप्ट होगा और एक NADH2 हमारा यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, क्लियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और साथ में हमारा NADH2 बन रहा है। इसके बाद हमारा होगा सक्सिनिल को एंजाइम ए, ठीक है, तो सक्सिनिल को एंजाइम ए प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इस पूरे ऑक्सीडेशन के बाद, क्योंकि रिएक्शन में हमारा पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, कोएंजाइम ASH, तो कोएंजाइम ASH रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन में, पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच हो रही है, तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जो कोएंजाइम ASH जुड़ा हुआ था वो वापस रिमूव हो जाता है, आप देख रहे हो यहाँ पे निकल रहा है, निकल रहा है, और इसमें SH यानी थायोल ग्रुप है, तो थायोल ग्रुप होने की वजह से एंजाइम होगा थायोकाइनेज, और थायोकाइनेज होता तो हमारा GDP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा और हमारा प्रोडक्शन होगा GTP, और एक GTP जो होता है वो एक ATP के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट सक्सिनिल कोएंजाइम ए से क्या बन गया, सक्सिनेट। अब जो सक्सिनेट बना है
ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरिक एसिड यानी फ्यूमरेट। ठीक है, और फ्यूमरेट जब बनता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उसका एक्सेप्टर एफएडी होता है एनएडीएच की जगह। ठीक है, तो एफएडी का एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है उसकी एनर्जी लेवल कम है, इसीलिए एफएडीएच उसको रिसीव कर रहा है और बना रहा है एफएडीएच2। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल एफएडीएच2 बन रहा है। फिर फ्यूमरेट अपने आइसोमर वैलेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज, तो दोनों आइसोमर है। ठीक है, मैलेट बना, फिर मैलेट का लास्ट ऑक्सीडेशन होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उसको हमारा एनएडी एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा एनएडीएच2। क्लियर, तो इस तरीके से वापस ऑक्सिलो एसिटेट हमें मिल जाएगा। तो पूरा रिएक्शन इस तरीके से आपका कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग एंजाइम। ठीक है, लिंकिंग एंजाइम बोलते हैं, ठीक वैसे जैसे पीडीएच को हम लोग लिंकिंग एंजाइम बोलते हैं। तो पीडीएच किसको लिंक कर रहा था, ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ रहा था, लिंक कर रहा था। उसी तरीके से लिंकिंग एंजाइम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब मैट्रिक्स में डिजॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं। सिर्फ यही एक एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया के, बल्कि इस एंजाइम की लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है, ठीक उस जगह पे जहां हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एंजाइम है वो क्रेब्स साइकिल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, लिंकिंग एंजाइम। ठीक है, तो याद रखिएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मैलोनेट। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होता है, मैलोनेट। क्लियर, तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन बन रहा है। तो एक क्रेब्स साइकिल की अगर बात करें, ठीक है, वन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, देखो एक क्रेब्स साइकिल एक एस्टिल कोएंजाइम से परफॉर्म हो रही है, तो उसमें हमारा टोटल कितना एनएडीएच बन रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ बन रहा है हमारा एनएडीएच का। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बन रहा है दो, उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ बन रहा है, यानी तीन हमारे थ्री एनएडीएच2 बन रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा एक मॉलिक्यूल एफएडीएच2 बन रहा है, वन एफएडीएच2, और एक मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है जीटीपी का। ये टोटल हमारा प्रोडक्शन हुआ, साथ ही साथ दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं एक क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो अगर एटीपी कैलकुलेशन की बात करें कि कुल कितना एटीपी इससे जनरेट कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए एनएडीएच2 एक मॉलिक्यूल एनएडीएच2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, ईटीएस में जाता है, तो तीन एटीपी यानी थ्री एटीपी जनरेट करता है। तो अगर एक से थ्री एटीपी हो रहा है यानी थ्री इंटू थ्री टोटल हमारा 9 एटीपी यहां से जनरेट हो रहा है। ठीक, इसी तरह से एक एफएडीएच2 जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा तो इससे हमारा 2 एटीपी बनेगा, 2 एटीपी यहां से जनरेट हो जाएंगे, और एक जीटीपी हमारा 1 एटीपी के बराबर होता है। ठीक है, 1 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। तो टोटल हमारा जो एटीपी प्रोडक्शन हुआ, टोटल आप देख सकते हैं टोटल कितने हुए, 12 एटीपी, यानी एक क्रेब्स साइकिल में एक एस्टिल कोएंजाइम से 12 एटीपी बनते हैं। ठीक है,